चाहिए थी कि अगर हमें आपके बारे में दो शब्द बोलने हो तो हमें मतलब कितना टाइम दिया जाएगा, क्योंकि मुझे लगता है कि दो शब्द या एक पद बहुत कम है जो पूरा जिंदगी पापा ने हमें थ्रू आउट लाइफ सिखाया है अपनी सर्विस से। तो ज्यादा वक्त न लेते हुए मैंने कोशिश की है कि जो कुछ मैं अपने पापा से अपनी माता जी से पूरी सर्विस में पूरे लाइफ में सीख पाई हूँ उसको एक कविता के माध्यम से बयान कर पाऊँ। तो ये मेरी स्वरचित कविता है, ये मेरा दूसरा प्रयास है, पहला प्रयास मैंने बेटे पे लिखा था, दूसरा प्रयास है। तो आशा करती हूँ कि आप सबको ये कविता पसंद आएगी। चलिए शुरू करते हैं। बधाई बधाई बधाई, आज रिटायरमेंट की मंगल वेला है आई। जिंदगी भर जिन्होंने की संघर्ष और लड़ाई, जिंदगी भर जिन्होंने की संघर्ष और लड़ाई, जिंदगी के एक और पड़ाव की आपने सफलता पाई। बचपन से सुनी आपसे संघर्ष की कहानी, बचपन से सुनी है आपसे संघर्ष की कहानी। गुडू डू वोट है वोट और ना चलने दो किसी की मनमानी। पापा आपने अपने सफल सेवा काल में बहुत कुछ कमाया है, आपने अपने सेवा काल में बहुत कुछ कमाया है। कम्युनिकेशन स्किल्स, ड्राफ्टिंग स्किल्स, प्रेजेंटेशन स्किल्स का गुण हमें सिखाया है। पापा आप हमेशा कहते हैं इट्स ऑल फॉर द बेस्ट। पापा आप हमेशा कहते हैं इट्स ऑल फॉर द बेस्ट। अब आपके रिटायरमेंट के बाद ऑफिशियल और अनऑफिशियल सब लोगों का होगा टेस्ट। नहीं है आसान 33 साल का सफर पल भर में बयां करना, नहीं है आसान 33 साल का सफर पल भर में बयां करना। छोटी उम्र से ही निभाई पूरे घर परिवार की जिम्मेदारी, न सीखा कभी किसी से हारना। यह नहीं है कोई दुख की बात, यह नहीं है कोई दुख की बात, लेकिन अब बदलेंगे थोड़े हालात। अब न होगी अर्ली मॉर्निंग स्कूल जाने की टेंशन, अब न होगी अर्ली मॉर्निंग स्कूल जाने की टेंशन, न बनाने होंगे बड़े बड़े सीटिंग प्लान प्लान आपकी इनकम्प्लीट ख्वाहिशें अब बढ़ सकेंगी सुकून का उड़ान, सुकून की उड़ान। कभी बच्चों के वजह से, कभी काम के वजह से, कभी बच्चों के वजह से, कभी काम की वजह से आप अपने अरमान दबाए हैं, लेकिन सच पूछो तो आपके इसी त्याग की वजह से हम आपके बच्चे और आपके स्टूडेंट्स इतने सफल बन पाए हैं। अब लीजिए आप मजा पहाड़ों की ठंडी हवा का, अब लीजिए मजा आप पहाड़ों की ठंडी हवा का, गोवा के सी फेसिंग बंगले का, क्योंकि आपसे अब कोई ऑफिशियल काम न लेगा। अब न करनी होगी कोई लीव अप्लाई, अब न करनी होगी कोई लीव अप्लाई आउट स्टेशन जाने को, हो जाइए तैयार मन मौजे बन जाने को। दो शब्द मेरी माता जी के लिए भी, क्योंकि वो हमेशा बैकबोन की तरह खड़ी रही है, उन्होंने हर सुख में हर दुख में मेरे पिताजी का साथ दिया है। माँ आप एक सफल गृहिणी है, माँ आप एक सफल गृहिणी है जिसके लिए हम सदा आपके ऋणी हैं। माँ आपने हर कदम पर पापा का साथ दिया है, माँ आपने हर कदम पर पापा का साथ दिया है, न सोचा कभी अपने बारे में, परिवार के हित में ही हमेशा निर्णय लिया है। आप दोनों के पास है हर समस्या का समाधान, आप दोनों के पास है हर समस्या का समाधान। गॉड हेल्प दोस हु हेल्प देमसेल्व्स का फंडा आजमाकर वश में कर लो दुनिया जहान। थैंक यू डैडी, बट थैंक यू एक बहुत छोटा शब्द लगता है, थैंक यू एक बहुत छोटा शब्द लगता है। आपने ही हमें सिखाया है न कोई छोटा न कोई बड़ा, हर इंसान का वक्त बदलता है। लास्टली
लास्टली थोड़ा सा फ्यूचर के उससे देखते हुए, हम समझते हैं कि आप ऑफिस का काम, एग्जाम्स, सिटी प्लान, क्लासेस को बहुत करेंगे मिस। हम समझते हैं कि आप ऑफिस का काम, क्लासेस, एग्जाम्स, सिटी प्लान को बहुत करेंगे मिस, बट लेट मी सजेस्ट यू डैडी, एंजॉय द